नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने इस परिवार का हिस्सा, बने एक खुशी का हिस्सा। मित्रों, क्या आपका पार्टनर भी अब आपके साथ पहले की तरह वफा नहीं कर रहा? प्यार करता है वो आपसे, प्यार करती है वो आपसे, आप भी बड़े प्रेम में है उसके, परंतु अब एक बात हो गई है और गलतफहमियां बढ़ती जा रही है। हो रहे हैं बात बात पर झगड़े, और ये झगड़े कहां तक जाएंगे किसी को पता नहीं। यदि आपका पार्टनर अब जुबान बदल रहा है अपनी दिशा, आपने जब से शादी की बात छेड़ी है तब से वो जिम्मेदारियों के डर से इस प्यार से ही मुकर रहा है, नहीं मिलना चाहता वो आपसे अब, नहीं मिलना चाहती वो आपसे अब। जहाँ आपको देखने के लिए इतने इतने घंटे खड़े रहता था, वो अब आपसे बात करने को कतराता है, अब आपको देखना नहीं चाहता। बात करने का एकमात्र माध्यम फ़ोन कॉल है, और अब उसने फ़ोन पर भी आपको ब्लॉक कर दिया है। ना मिलना हो रहा है, ना मिलने की बातें हो रही है, और ये प्यार में दूरी बढ़ती जा रही है। क्या करें कि आपके मन में भी केवल वही है, और उसे ही आप अपना जीवन साथी चुनना चाहती हैं और चाहते हैं। तब आज का प्रयोग आपके लिए। यदि पार्टनर के प्रेम से बू आ रही है बेवफाई की, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, किसी तीसरे ने एंट्री ले ली है और अब आप उसे हटाकर अपना नाम बसाना चाहते हैं उसके हृदय में, उसके दिल में आप स्नेह बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तब आज का उपाय आपके लिए। या है आप पति और पत्नी, जी हाँ, विवाह हो चुका है आपका, और अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे भी हैं आपके और गृहस्थी बहुत ही सामान्य रूप से चल रही थी, अब किसी सौतन ने एंट्री ले ली है आपके जीवन में। जी हाँ, दफ्तर में कोई काम करती है या साथ में कोई व्यापार करती है, अब आपसे भी दक्ष, आपसे भी सुंदर कोई पार्टनर आ गया है उसके नए जीवन में, और तब आपको घबराहट हो रही है कहीं आपका पार्टनर आपसे बेवफा ना हो जाए, क्योंकि जुबान बदल रही है पति की, बात बात पर गुस्सा कर रहा है वो आप पर, बात बात पर शक करता है, हर एक समय आपको मायके भेजना चाहता है। आप मायके जाती हैं तो वो लेने नहीं आता, ना आपका खर्च उठाता है, ना सीधे मुँह आपसे बात करता है। इसका कोई तो अर्थ है, कहीं किसी तीसरे ने आपकी जगह लेने की योजना तो नहीं बना दी? यदि ऐसा डर भी है आपको अपने गृहस्थ जीवन में, तब आज का उपाय आपके लिए। कुल मिलाकर जब आपका पार्टनर अब आपके साथ पहले की तरह प्यार और वफा ना करे, तब आज का उपाय आपके लिए। जब फोन ही एकमात्र माध्यम हो बात करने का, संपर्क करने का, और जब बात ही ना हो तो संपर्क आगे कैसे बढ़े और बिगड़ी बात बने कैसे? हाँ, उसने कर दिया है ब्लॉक आपके कॉल को, तो 5 मिनट में करेगा अनब्लॉक। यदि कोई सौतन आ गई है आपके जीवन में, तो वह स्वतः ही आपके दोनों के जीवन से दूर चली जाएगी। यदि वो जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस रिश्ते से मुंह मोड़ रहा है, तब वह सामने से आएगा, आपको स्वयं प्रपोज करेगा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा और आपका साथ देगा उम्र भर। तो चलिए सीखते हैं एक छोटा सा लव वशीकरण, केवल उसकी एक तस्वीर से बैठे बिठाए करते हैं उसे अपने वश में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ध्यान से सुनिए, किस दिन करना है, किस मंत्र का जप करना है और कैसे करना है। यह एक इतना असरदार वशीकरण है, एक सकारात्मक और सात्विक वशीकरण है। तंत्र शास्त्र में ऐसे वशीकरण को बहुत श्रेष्ठ पद दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी का अहित नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं होता, और 100% प्यार की जीत होती है। यह वशीकरण आप मंगलवार या शनिवार, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की एक तस्वीर चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि सौतन आ गई है बीच में और आपको सौतन को हटाना, तो भी आपको सौतन की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना ही उसकी फ़ोटो लेनी है। आपको तस्वीर अपने पति, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर की लेनी है।
यदि प्रेमिका भी बेवफाई कर रही है तो आप पुरुष होकर भी इसको कर सकते हैं। आप अपनी प्रेमिका की तस्वीर ले लें और उसे पेपर फॉर्म में निकलवा लें, उसे कागज़ में निकलवा लें। ऐसा नहीं है मोबाइल नहीं चलेगी। ध्यान दें, सूर्यास्त की बात करना है आपको यह उपाय, अर्थात 6 बजे के बाद करना है। एक लोटा जल ले लेना है आपको, जलाने के लिए थोड़ी सी धूप लेनी है जिससे धुआं हो, गंधक वाली धूप लेनी है। एक तस्वीर लेनी है, कोई भी एक लाल रंग का पुष्प लेना है, चाहे वो गुलाब हो, उड़हुल हो, कोई भी हो, परंतु लाल रंग का फूल चाहिए मंगलवार या शनिवार के दिन। ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा की ओर किसी भी पात्र में जल भर कर रख दें और इसी जल में आपको वो फूल को डाल देना है। इसी जल के अधीन आपको उस तस्वीर को खड़ी कर देनी है और तस्वीर के आगे एक धूप जला देनी है जिससे कि धुआं निकले। तस्वीर के आगे धूप जलाने के बाद आप आसन लगाकर बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, मन को शांत करेंगे और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे। नाम लेने के बाद आंखें बंद करेंगे और उसकी गहरी अनुभूति करेंगे। उसे देखने का प्रयास करेंगे जिसे आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहे। प्रेमिका हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या पति हो, आंखें बंद करके उसकी गहरी अनुभूति करेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसे चलता हुआ, बोलता हुआ, हंसता हुआ, अपने पास रहता हुआ देखेंगे। जब वह अनुभूति बिल्कुल सच्ची हो जाए, आपको लगे कि इस कमरे में केवल आप अकेले नहीं, वह भी है, उसका चेहरा आपके चेहरे के आगे आ जाए, तब आंखें खोलें और उसकी तस्वीर की दिशा में एक टकटकी लगाकर नज़र भर कर उसे देखें और उसे देख कर कहें, ओम त्रीम अमुक वश्या वश्या, ओम त्रीम अमुक वश्या वश्या। अमुक के स्थान पर बार बार वो नाम ले और 86 बार आपको इस मंत्र को जप करना है। और मंत्र जप करते ही इस तस्वीर को आपको उल्टे मुंह सामने की ओर गिरा देना है, यानी तस्वीर को पलट देनी है। जैसे ही मंत्र खत्म हो, आप इसकी आंखों में आंखें डालकर यह मंत्र बोलेंगे और मंत्र खत्म हो जाए तो तस्वीर को सामने की ओर डाउन कर देंगे, मानो वो आपकी आंखों से ओझल हो गया। ऐसा पुष्प जिस पानी में डालकर आपने रखा था, रात भर ही आपके बेडरूम में रहेगा यह जल। अगली सुबह फूल के साथ इस जल को किसी भी पौधे में बड़े पेड़ के नीचे डाल दें। इस तस्वीर को अगली सुबह आप उठाएंगे, रात भर तस्वीर वैसे ही उल्टी गिरी रहेगी, धूप जलता रहेगा। आपको यह छोटी सी प्रक्रिया केवल 1 बार करनी है और सफलता 100% मिलेगी आपको। अवश्य करें, जीत होगी आपके प्यार की।